अमेरिका में एक एकड़ में 30 क्विंटल सोयाबीन होती है, जबकि मध्य प्रदेश में एक एकड़ में महज 6 क्विंटल सोयाबीन ही पैदा हो पाती है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह बात कही है और उत्पादन कैसे बढ़ सकता है इसका उपाय भी सुझाया। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमारे शिक्षण संस्थानों को शोध करना चाहिए। नितिन गडकरी का कहना है कि देश के विकास में उद्योग और कृषि अहम स्थान रखते हैं, जबकि भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान महज 12-13% है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में एक एकड़ में 6 क्विंटल सोयाबीन पैदा होती है, ब्राजील में 26 क्विंटल, अर्जेंटीना में 28, तो वहीं अमेरिका में 30 क्विंटल। सोयाबीन की पैदावार बढ़ाने को लेकर उन्होंने शोध करने की आवश्यकता जताई है। उनका कहना है कि हमारे शिक्षण संस्थानों को सोयाबीन की पैदावार बढ़ाने के लिए शोध करने चाहिए। ऐसा करने से मालवा और पूरे प्रदेश की इकोनॉमी बदल जाएगी। ऐसा शोध प्रदेश के विकास को नई राह देगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश भर के शिक्षण संस्थानों में हर साल सैकड़ों शोध होते हैं। इन शोधों से प्रदेश, संभाग या किसी जिले को फायदा ना हो तो इसका कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि मैं हमेशा संस्थानों को नीड बेस यानी जरूरत आधारित शोध करने की सलाह देता हूँ। उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने पर भी जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।